आपका प्रश्न है कि हम प्रतिक्रमण में ऐसा कहते हैं कि 84 लाख जीव योनि में से किसी को कोई कष्ट पहुंचाया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। तो ब्रह्मांड में तो बहुत सारे जीव है, तो 84 लाख ही क्यों बोलते हैं? 84 लाख जीवों की योनि है। योनि कहते हैं उत्पत्ति स्थान को, उत्पत्ति स्थान योनि, जहाँ से जीव पैदा होता है। तो जीवों के पैदा होने की जो संरचनाएं हैं उनको योनि कहते हैं, और संरचनाएं डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब रही बात, क्या 84 ही है, 84 लाख 84 लाख ही है, तो इसका अर्थ को समझा नहीं गया है। इसके आध्यात्मिक अर्थ है, यहाँ लाख शब्द नहीं है, यहाँ लक्ष्य है, लक्ष्य। और लक्ष्य का अर्थ है टारगेट्स। इस जीवात्मा के संसार यात्रा में 84 टारगेट्स है, लाख नहीं है। अब पूरा पाठ इस तरीके से बना दिया गया कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है। हकीकत है 7 टारगेट्स ऑफ पृथ्वी, 7 टारगेट्स ऑफ जल, ऐसा है। अब वो हर एक चीज में 7 7 7 स्टेप्स है, कहीं 14 स्टेप्स है, ठीक है ना, कहीं 4 स्टेप्स है, क्योंकि उनके अंदर उस तरीके की संभावनाएं हैं, उतने उतने संभावनाएं हैं, उतने उतने विकास के स्तर है, उतने उतने विकास के स्तर है। जैसे अपन बोल रहे हैं ग्रेजुएशन तो 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन तो 2 साल, मास्टर करना हो तो 2 साल, लेकिन मास्टर करने से पहले ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन करना हो तो 3 साल, ठीक है। हायर सेकेंडरी करना हो तो 12 साल, 12वीं कहते हैं ना हायर सेकेंडरी को, तो 12 साल, ठीक है ना। तो इसी तरह से पृथ्वी 7 टारगेट्स हमने क्रॉस कर लिए, पानी 7 टारगेट्स क्रॉस कर लिए, अभी हम कहां पर आ गए, 84वें टारगेट मनुष्य योनि। और इस मनुष्य के पास में कितने टारगेट है बताओ, कितने बोलते हैं आप? 14 लाख बोलते हो जीव योनि, यही बोलते हो ना, 14 गुणस्थान है, गुणस्थान कितने, 14, 14 टारगेट्स है इंसान की जिंदगी में। और वो 14 में से कहाँ रह सकता है? तो जनरली हम आदमी लोग फर्स्ट टारगेट पे मिथ्यात्व में ही रहते हैं, बहुत 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 युगों से हम पहले टारगेट पे ही है। मनुष्य में भी आ गए तो फर्स्ट लेवल तक के मनुष्य बनते हैं, और यही इसी दुनिया में कई ऐसे मनुष्य है जो चौथे टारगेट पे है, चौथे गुणस्थान पे है, कई ऐसे मनुष्य है जो 7वें 8वें 9वें 12वें पे है। वे दुनिया के और स्तर पे जीते हैं, समय के और आयाम में जीते हैं, उनके लिए अस्तित्व के कई सारे रहस्य आत्मसत्य है, आत्मसाक्षात है, और हमारे लिए वो सारे रहस्य केवल कुछ कहानियां हैं, कुछ शास्त्रों की बातें हैं, कुछ योगियों के जीवन की घटनाएं हैं। हमारे लिए वो योगियों के अनुभव या योगियों के जीवन की घटनाएं हैं, उनके लिए वो उनका सत्य है। कई चीज़ों को हम कल्पना कह के छोड़ देते हैं, पुराण कह के छोड़ देते हैं कि मिथ है, लेकिन उनके लिए वो सत्य है। क्यों? क्योंकि वे उस लेवल पे जी रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक गांव में रहने वाले आदमी के लिए वो ब्रिटेन या अमेरिका की राजशाही की अवस्था एक कल्पना है, और कल्पना भी नहीं है, उसे कहानी है, एक कथा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो सोच नहीं सकता मैं उस स्तर का। ऐसी हम लोगों में कमी है कि हम सोच नहीं सकते कि हम जिस स्तर पे हैं वो ही सत्य नहीं है, जीवन के और अलग तल है, पर हमें पता ही नहीं, क्योंकि युग युग से हम सबको यही सिखाया जाता है पैदा होने के साथ में, करना क्या है, बचपन में पढ़ाई, जवानी में शादी, फिर बच्चे, फिर घर गृहस्थी, फिर पैसा इकट्ठा करना, और फिर एक दिन क्या सिखाया गया, इसके सिवा कुछ सिखाया गया? और बाप दादों ने क्या किया, यही किया, दादा के दादा ने भी यही किया, और हम भी अपने बच्चों को क्या सिखा रहे? अगर कोई बच्चा शादी ना करे हमारे लिए बड़ा अचरज भरा हो जाएगा, और शादी ना करे तो हमारे पास उसके भी स्टेप है, साधु बनना, फिर शास्त्र पढ़ना, फिर प्रवचन देना, आ गया, इट्स ओके, सर्टिफाइड। किसी साधु को प्रवचन देना आ गया ना तो लोग कहते हैं ये साधु बढ़िया, सर्टिफिकेट मिल गया उसको, वो प्रवचन देना कोई सर्टिफिकेट है उसका?
वो मिथ्यात्व में बैठा है, पूरी जिंदगी प्रवचन दे सकता, उसे क्या लेना देना। वो प्रवचन देने के लिए साधु थोड़ी बना था, लेकिन लोगों को लगता है लो साधु बन गए और मौन में बैठे हो, हमारा भला कैसे करोगे। भला करने वाले तो बहुत सारे साधु बैठे हैं जो तुम्हें दिन रात प्रवचन कर रहे हैं, तुम्हें सुनने की फुर्सत नहीं है, और मौन वाले को लोग जाके बोलते हैं हमारा भला कैसे करोगे, जरा मौन तोड़ो, जरा मौन खोलो। साध्वी चरमशी जी मरासा के पास में रोज रोज इक्के दुक्के कोई न कोई आके बोल ही देते हैं मरासा मौन खोलो हमारा भला कैसे करोगे। वो कहते जिनका भला होना उनका वैसे ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही है। तो यहाँ 84 लाख जीव योनियां ऐसा हकीकत में नहीं है, लेकिन चूंकि अब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो लाख का लक्ष्य का अर्थ लाख भी होता है, और लक्ष्य का अर्थ लक्ष्य गोल टारगेट वह भी होता है। और ये सब टारगेट हमारे अंदर है, हमारे चेतना के स्तर पर है, और जब हम बार बार निचले स्तरों पर चले जाते हैं तो हम अपनी आत्मा की विराधना करते हैं, अपनी आत्मा की विराधना करते हैं, अपने स्वरूप से पतित हो जाते हैं जब निचले स्तरों पर जाते हैं। तो हमें अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने अपने आप को दुख दिया, हमने कितने घंटों तक अपने आप को क्रोध में रखा, वासनाओं में रखा, अभिमान में रखा, कितने वर्षों से रख रहे हैं। तो खुद को क्षमा करो, खुद में खुदा है, पुरुष में ब्रह्मांड है, पर हम करें क्या। सारी धर्म की व्याख्या ही उसको कष्ट दिया तो मिच्छा में दुखड़म। अरे भैया जब तू अज्ञानी है तो तू कष्ट दे या ना दे तुझसे कष्ट ही मिलता है, तुझसे जो मिलेगा वो कष्ट ही होगा क्योंकि तू खुद कष्टों में है, और जब तक तू खुद कष्टों में है तो तू देगा क्या। एक आदमी जो खुद गरीब है भिखारी है वो भिक्षा देगा क्या, वो तो लेने वाला है ना, देने वाला हुआ ही नहीं अभी तक। तो हम में से कौन है जो दूसरों को कष्ट देगा, हम तो खुद ही कष्टों में पड़े हैं, देने जाने की जरूरत ही नहीं है, हमसे जिसको जो मिलता है वो कष्ट ही मिलता है। वो सामने वाला भला है तो उसको कभी कभी ठीक ठाक ले लेता है, उसको जब तक हमसे लगाव है तब तक हमारी बातों को ठीक लेता है, और जब हमसे लगाव खत्म हो जाता है, हमसे उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वो हमारी उन्हीं बातों को गलत लेना शुरू कर देता है, नहीं होता। हाँ अट्रैक्शन होता है तो सब अच्छे लगता है, और जैसे ही अट्रैक्शन के दूसरे पोल पे जाते हैं वही सारी बातें बुरी लगने लग जाती है। तो यहाँ सब लोग दुख में ही है, राग भी दुख है, द्वेष में तो दुख समझ में आता है लेकिन राग में भी दुख ही है, और राग और द्वेष दोनों में तो हम जी रहे हैं। तो हम दूसरे जीवों की विराधना कर रहे हैं ये सवाल ही नहीं है, सवाल है हम अपने आत्मा की विराधना कर रहे हैं, सवाल यह है कि हम किस स्तर पर जी रहे हैं, और हम अपने स्तर में जागने के लिए तैयार है या नहीं है, इतनी बात है। तो अपनी विराधना से बच जाएं तो दुनिया की विराधना से बच गए। जय हो।